नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईट इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने इडली बनाना बताया था, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सांभर की रेसिपी बताते हैं। ये सांभर हमने पूरा हेल्दी और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के साथ में बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सांभर बनाना। सबसे पहले हमने एक बाउल तुअर की दाल ली। तुअर की दाल को हमने भिगोया और भिगोने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा, इसमें देखिए सौंफ हमने डाला है फ्लेवर के लिए। आधा घंटा भिगोने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट में वेजिटेबल्स में हमने लिया है पम्पकिन, कद्दू जिसको अपन बोलते हैं या कोला भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक जिसको कि सहजन की फली भी बोलते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक है, ये पूरी वेजिटेबल ऑर्गेनिक है, अपने खुद के फार्म में अपने उगा के ये बनाया है। ये पोटैटो आलू, ये ब्रिंजल बैंगन, इसको हमने पानी में काटा है क्योंकि बैंगन का कलर ब्लैक हो जाता है। ये लेडी फिंगर भिंडी है। तो आइए अब हम इस दाल को उबालने के लिए गैस पे रख देते हैं। इस दाल में थोड़ा सा हम नमक ऐड करते हैं और इसमें 3 गिलास पानी डाल के गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। एक्शन। अब हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालते हैं। पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। अब इसमें वेजिटेबल आप अलग से भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर वेजिटेबल उबालूंगा। तो ये हमने एक टिफ़िन में थोड़ा सा पानी लिया और इसको हम इसके सेंटर में रख देते हैं और सारी वेजिटेबल्स को इसके अंदर हम डाल देते हैं। दोस्तों इसमें हल्दी ना डालें क्योंकि बाकी लोग हल्दी डालना बताते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं डालता क्योंकि हल्दी डालने से दाल बाहर निकलती है तो आपका गैस और कुकर पूरा ख़राब हो जाता है। तो अब ये दाल के साथ साथ हमारी ये पूरी वेजिटेबल भी इसी में बॉईल हो जाएगी तो हमारा सांभर झटपट बन जाएगा, थोड़ा सा जल्दी बनेगा। अब हम इसको 3 सीटी लगने तक वेट करते हैं। तो चलिए तब तक हम तड़का लगाने का सामान तैयार करते हैं। तो चलिए हमारी अच्छा सवाल आ रहा है, चलिए दाल हमारी पक के तैयार है। देखिए ये हमारा जो वेजिटेबल्स थी जिनको हम बॉईल होने के लिए इसमें रखा था वो भी रेडी है। इसको साइड में रख देते हैं और ये हमारी दाल बन के रेडी है। तो चलिए दोस्तों अब हम तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये हमने लिया है टमाटो, ऑनियन, ग्रीन चिली, रेड चिली साबुत, कढ़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड राई। चलिए तो अब हम लगाते हैं इसमें तड़का। तो इसमें हम 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल लेते हैं। तो ये हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम मस्टर्ड डालते हैं, राई और देखिए राई जब थोड़ा चटकने लग जाता है तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं कड़ी पत्ता, रेड मिर्च और हींग। देखिए हींग का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है सांभर में, बगैर हींग के सांभर में टेस्ट नहीं आएगा। इसको हम थोड़ा सा हिलाते हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है आप डाल सकते हैं, आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। ऐड करते हैं ऑनियन, ऑनियन को हम हल्के गुलाबी होने तक पकाते हैं। ऑनियन को आप लंबा भी काट सकते हैं, हमने इसको थोड़ा बारीक काटा है। अब प्याज हमारी थोड़ी सी भुन चुकी है तो इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। जो प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं।
देखिए ध्यान रखिए प्याज आपकी ब्लैक नहीं होनी चाहिए, अगर काली हो गई तो फिर कड़वापन आ जाएगा। तो इसमें हम एक टीस्पून हल्दी डालते हैं, एक टीस्पून इसमें रेड चिली, ये आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून नमक। ध्यान रखना नमक हमने दाल में भी डाला था, तो ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो इसमें एक टीस्पून हम सांभर मसाला डालते हैं, और हमारे पास अभी इमली का पानी है नहीं क्योंकि अभी इमली मिल नहीं रही है मार्केट में, तो अब हम इसमें अमचूर से काम चलाते हैं। तो एक टीस्पून हमने इसमें अमचूर डाला, अब इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। अब देखिए इसमें कितनी शानदार खुशबू आ रही है, बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि खुशबू हमें वैसे ही आ रही है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। चलिए अब हम इसमें दाल डालते हैं। वाओ, दाल डालने के बाद हल्के हल्के इसको चलाते हैं। चलिए तो अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, क्रेस करके ऐसे अपन डाल देते हैं। गुड़ से क्या होता है, खट्टा और मीठा टेस्ट आता है। अब इसको पकने देते हैं, हल्का सा इसको। अब हम मिक्स करते हैं इसमें बॉईल की हुई सब्जी। चलिए तो ये सांभर हमारा बनके रेडी हो गया। देखिए ये होटल जैसा सांभर हमने घर पे बनाया, बहुत ही टेस्टी है, आप इसका एंजॉय लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहिए। थैंक यू।